दोस्तों, कोबरा के जहर से बनने वाली होम्योपैथिक दवा नाजा नाजा या नाजा त्रिपुरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। नाजा नाजा, जी हाँ, बाकी जैसे सर्प के विषय रेमेडीज है, उसी तरह से नाजा नाजा बड़ा ही एक कॉमनली यूज किया जाने वाला दवा है जो हार्ट के लिए हम लोग वापरते हैं। नाजा नाजा के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट जो है ना, वो इमेजिनरी कंप्लेंट्स के बारे में सोचते रहता है कि शायद मुझे वो हो जाएगा तो, और वो इतना गुंथ जाता है, इतना डीप चले जाता है वो इमेजिनरी कंप्लेंट्स के अंदर कि उसको सच ही लगने लगता है कुछ नहीं है, मुझे कैंसर हो जाएगा तो होगा, तो ऐसा पूरा दर्द भी महसूस कर लेता सभी कुछ, तो ब्रूड्स अबाउट इमेजिनरी कंप्लेंट्स और उसके वश में नहीं रहता वो। एक बार कोई थॉट आ गया अपने कंप्लेंट्स के बारे में तो जो सोचने लगता है कि कहानी पूरी नहीं होती, और बात जब करता है तो उसके थॉट्स, यानी बात तो कर रहा है सामने आमने सामने, लेकिन उसके जो विचार है वो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जंप करते रहते हैं, तो बड़ा कंफ्यूज स्टेट में रहता है ये। दोस्तों, उसको कई बार ऐसे आभास होता है कि उसके जो जेनिटल्स है वो उसके बारे में हमेशा सोचता है कि मैं गलत ना कर लूं, मैं रेप ना कर बैठूं, करता वरता कुछ नहीं, उसको इमेजिनेशन ही होता है, बड़ा ही प्रॉब्लम होता है उसको, तो वो अकेले रहना पसंद करता है, मन से तो नहीं है लेकिन जबरदस्ती उसको ख्याल में आता है कहीं मुझसे कोई गलत चीज ना हो जाए, कहीं मुझे इरेक्शन ना आ जाए, मेल्स अगर रहे तो, फीमेल्स भी वही सोचती है, तो ये विचार बड़े चलते रहते हैं कि मुझसे कोई एकदम गलत बात ना हो जाए अबाउट पर्टिकुलर अबाउट जेनिटल्स। और कभी कभी कुछ लोगों के अंदर एकदम सुसाइड करने की पागलपन, जुनून सवार हो जाता है। ये ऑरोमेट जैसा नहीं है, उस ऑरोमेट को भी ख्याल आते हैं सुसाइड करने के लिए और चुपचाप प्लानिंग करके सुसाइड करने को ये करता है, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन नाजा नाजा को अचानक उत्तेजना होती है कि अब मैं मर जाऊं, और उसको मरना कैसे पसंद है, ट्रेन के नीचे पटरियों पर जाके कटना, हाथ काट डालना, गला काट डालना खुद का, ऐसे टाइप से उसको ख्याल आते रहते हैं, सुसाइडल इंसान पागल बन जाता है खास करके ये ख्यालों से। दोस्तों, नाजा नाजा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है बल्बर पैरालिसिस के लिए। अब ये बल्बर पैरालिसिस होता क्या है, आजकल हमको बहुत सारे केसेस देखने मिलते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसके अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन से नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, तो ये जो पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो हम उसको बल्ब बोलते हैं। तो जब छोटा होने लगता है या ब्रेन का सुकड़ जाना, स्पाइनल कॉर्ड का सुकड़ जाना, तो पेशेंट के हाथ पैर छोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और उसका आवाज़ चले जाता है, या कोई भी लकवे के कारण आवाज़ चले जाए, निगलना चले जाए, पेशेंट निगल नहीं सकता, लकवा तो हो गया, लकवे से हाथ पैर तो थोड़े से ठीक हो गए लेकिन पैरालिसिस चले जाए, अपना आवाज़ चले जाए, निगलना मुश्किल हो जाए, या यूरिन और स्टूल का कंट्रोल चले जाए, मुंह का कंट्रोल चले जाए, दोस्तों नाजा नाजा पहली दवा है जिसको हम याद रखते हैं। मैंने कहा था हार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है। हार्ट के अंदर हमारे पास अनेक सारी बीमारियां होती है, एक बीमारी जिसका नाम है रूमेटिक हार्ट डिजीज या वैल्वुलर हार्ट डिजीज। अब जो हार्ट है वो अलग अलग कमरों में बंधा हुआ है, और कमरे को गार्ड करने के लिए दरवाजा है, वो दरवाजे को हम बोलते हैं वॉल्व, VALV, वॉल्व। अनेक टाइप के वॉल्व है, एओर्टिक वॉल्व है, माइट्रल वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, अलग अलग टाइप के वॉल्व है। यदि ये वॉल्व के में कोई खराबी आ जाए, वॉल्व छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, तो बहुत सी कॉमन सिम्टम्स आते हैं, और सभी सिम्टम्स गले के में स्थित रहते हैं, यानी चोकिंग सेंसेशन होना, ऐसा लगता है कि मेरा गला किसी ने दबा दिया हो, मेरे से सांस लेना नहीं होता, खांसी आती है तो गले से आती है बिल्कुल स्पॉन्जा जैसी, लॉरोसेरेसिस जैसी, और बहुत कोशिश कर करके मैं जब खांसता हूँ तो बलगम निकलता है, वो भी बहुत चिकट म्यूकस वाला, स्टिकी म्यूकस रहता है। अगर छाती में दर्द होता है वॉल्व की वजह से, तो यहाँ से छाती में दर्द लेफ्ट साइड से चालू होकर नेप ऑफ द नेक को जाता है, लेफ्ट शोल्डर को जाता है, लेफ्ट आर्म को जाता है, ये नाजा नाजा की खासियत है। हार्ट अटैक में भी ये सिम्टम पाए जाते हैं, अगर है, अगर आर्निका ने काम नहीं किया तो नेक्स्ट बेस्ट ड्रग हमारे हिसाब से इस नाजा नाजा। दोस्तों,
जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। ये वीडियो लास्ट तक देखते रहेंगे, मैं नाजा के बारे में और बताने वाला हूं। जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, कोई भी कंप्लेंट्स अगर आपको होम्योपैथी से सॉल्व करनी रही और आपको मुझसे मिलना है तो मुंबई आता हूँ फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9307965618 पे। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं, वही नंबर से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्टेशन फिक्स करवा सकते हैं। नाजा एक बहुत अच्छी दवा है रिदम डिसऑर्डर्स के लिए। जब हार्ट का लप ढप जो लय रहती है वो अगर टूट जाए और लप ढप ऐसा कुछ होने लगे तो उसको हम अरिथमिया बोलते हैं। और अरिथमिया के लिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज इज नाजा। ऑफकोर्स वो आपका होम्योपैथ बताएगा कौन से अरिथमिया के लिए आपको कौन सी दवा यूज करनी चाहिए। कुछ फीमेल्स के अंदर अंडकोश के अंदर ओवरी के अंदर मास आ जाता है, उसके वजह से बार बार जब भी पीरियड्स आते हैं तो शूटिंग टाइप ऑफ पेन होता है, खास करके लेफ्ट ओवरी के अंदर, तो नाजा जरूर सोचना चाहिए, यह भी एक दवा है। और सिरदर्द जिसको हो, और वो सिरदर्द तब हो जिसके साथ में उल्टी, चक्कर, खास करके लकवे की पहले की बीपी बढ़ गया हो और शिद्दत का सिरदर्द है और साथ में उल्टी जैसा लगना या उल्टी हो जाना और साथ में गला बिल्कुल चोकिंग जैसा सेंसेशन, पहला ड्रग इज नाजा। ऑफकोर्स लैकेसिस के अंदर भी ऐसे ही सिम्टम है दोस्तों, जैसे लैकेसिस के अंदर होता है नाजा इज ऑल्सो लेफ्ट साइडेड रेमेडी, लेकिन लेफ्ट साइड में ज्यादा सिम्टम्स होते हैं राइट साइड के इसमें कंपेरिजन में। उसको भी प्रेशर ऑफ द क्लोथ्स, खास करके नेक में और कोई भी दूसरा कोई टाइट क्लोथिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई भी टाइट चीज पसंद नहीं है, वो नेकलेस वेकलेस भी नहीं पहन सकती अगर लेडी है तो, या आदमी भी है तो, रिंग्स भी पहनना उनको पसंद नहीं है, उनको टच से बड़ा मुश्किल है ना, जब दो दोस्त चल रहे हैं और एक दोस्त ने हाथ रखा कंधे पे, बिल्कुल वो अगर नाजा का पेशेंट होगा तो हटा देगा, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई कंधे पे हाथ रखे या कोई टच करे। दारू से नाजा का एग्रेवेशन है, कोई भी दारू हो, दोपहर के तीन बजे नाजा का खास एग्रेवेशन है और ट्रैवलिंग के टाइम पे नाजा के सिम्टम्स बढ़ते हैं। नाजा दोस्तों एक काफ़ी बड़ी रेमेडी है, मैंने कोशिश किया है जितना उसको छोटे में आपको समझा सकूं। यदि कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे बिल्कुल पूछिए और इंस्टाग्राम पे आदिल होम सेंटर के नाम से हो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।